सीएम फेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है वो बन रही है। अब समय आएगा, वो डिसीजन जिस पे भी लेना होगा। अजय के कंपैरिजन में लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे उस पर? कहां से कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में घटनाक्रम चल रहे हैं उसको किस रूप में आप देखें? ये चीजें तो स्वाभाविक है, माना जा रहा है कि ब्लेसिंग है आला कमान की, आपकी ब्लेसिंग से ही तो मैं आज जहां हूं वहां हूं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और पंजाब केसरी राजस्थान चुनाव में तमाम जो बड़े नेता हैं उनके चुनाव पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है ताकि चुनाव की जो फिज़ा है किस तरफ है उसको टटोला जा सके। और आज इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिया कुमारी जयपुर राजघराने की सदस्य, सवाईमाधोपुर राजसमंद के बाद में अब विद्याधर नगर से यहाँ प्रत्याशी बनाई गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। क्या ये शाम तो सुहानी है, थोड़ी सी खुशनुमा है, सियासी माहौल है, वो कैसा आपको लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, लोगों में बहुत उत्साह है और लोग परेशान हो चुके हैं कांग्रेस से। अभी हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बैठक थी जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई, इनको परेशान किया जा रहा है। जो पॉलिसीज में बदलाव ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं लाए, ये लोग नहीं लेके आए। और बहुत सारे जो इनको भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनको भी कोई फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि गहलोत सरकार ने बिल्कुल भी नहीं दिया। पूरी तरह से उनका कंसंट्रेशन कुछ लोगों पे रहा और ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिनके लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारी योजनाएँ हैं, वो राजस्थान सरकार ने अपनाई नहीं, वो इन लोगों तक नहीं पहुँचाई। तो ये काफ़ी नाराज़ है कांग्रेस सरकार से। और ना केवल ये, सभी लोग जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। विद्याधर नगर के अंदर आपकी उम्मीदवारी के बाद में आपका विजन क्या है, क्योंकि यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? मेरा विजन देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो आपने भी देखा होगा, सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये सड़कें रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पानी की मूलभूत सुविधाएं अगर पहुँचेंगी, आई थिंक सबसे पहले तो वो करें, क्योंकि अभी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, झूठवाड़ा कनेक्ट हो गया लेकिन विद्याधर नगर कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के एमएलए थे तो उनके साथ इन्होंने भेदभाव किया। वहाँ पर कांग्रेस के एमएलए थे, मंत्री थे, यहाँ पर बीजेपी, इसलिए कुछ काम नहीं हुआ। 5 साल विद्याधर नगर को निग्लेक्ट किया गया, जबकि यहाँ के पार्षद ने, एमएलए ने वहाँ तक फाइल पहुँचाई, सारा ग्राउंड वर्क कर दिया, लेकिन इनकी फाइलें रुकवा दी गई, इनके कोई काम नहीं। तो सबसे पहले तो इनकी मूलभूत सुविधाएं पहुँचाएंगे, फिर यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहीं कहीं पानी भरता है, सुवेज नहीं है, रोड्स जैसे मैंने बताया बहुत ख़राब है रोड्स यहाँ की, ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं जो परस्यू करें आप तो बहुत ईजिली, जयपुर जैसे शहर में जहाँ JDA भी है, नगर निगम भी है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली, और जयपुर कैपिटल है। मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, ये क्योंकि फैली न्यू जगह है, यहाँ पर काफ़ी ये वार्ड्स ऐसे हैं जो नए वार्ड्स बने हैं, कुछ ग्रामीण एरिया भी लगता है, तो इसलिए हो सकता है डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन फोकस रहेगा कि पूरी तरह से डेवलपमेंट पहले हो यहाँ पर, उसके बाद इनकी यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि महिलाओं का भी कुछ, इनको भी कुछ ऐसे सेंटर्स खोले जाए जहाँ पर वो प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, उनके लिए भी कुछ मैं चाहूँगी करना, यूथ को जोड़ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर, मुझे लगता नहीं है, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स को और इनकरेज कर सकते हैं। मोदी जी ने सभी सांसदों से सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई लास्ट ईयर, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। यहाँ पर गहलोत जी ने भी कुछ इस तरह का कॉपी कैट काम करते हैं, वो जो भी मोदी जी करते हैं वो वही चीज़ यहाँ कॉपी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिया मुझे। तो वो उस तरह की चीज़ें करें जिससे कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। कोई भी बदलाव लाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग उसका भाग बने, नहीं तो सिर्फ अकेला MLA या कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, वहाँ पर लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लान करेंगे। विद्याधर नगर में, चूंकि आपने बताया कि पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे नरपत सिंह राजवी, और थोड़ा सा जब टिकटों का ऐलान हुआ तो उनके अंदर एक दर्द है वो भी सामने आया था, अब क्या स्थिति है? और दूसरा, कांग्रेस से कोई प्रत्याशी अभी तक यहाँ पर तय नहीं कर पा रही है आपके सामने, तो किस रूप में आप देख रहे हैं? जहाँ तक राजवी जी का सवाल है वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं, और
ये जो प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किए वो क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, उनको क्या मालूम क्यों अभी तक कोई मिल नहीं रहा है, क्या कोई तैयार ही नहीं है। राजीव साहब जो उनका जो उनसे आपकी बातचीत या पॉलिटिकल बातचीत, बिल्कुल उसके बाद मैं गई उनकी श्रद्धांजलि, अपने भैरव सिंह जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं गई, और बिल्कुल सही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बहुत एक ही फैमिली है और हम लोग साथ मिलकर ही चित्तौड़ से लड़ रहे हैं, मैं यहाँ से लड़ रही हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी बीच में आऊँगा, कुछ आपके लिए कैंपेन भी करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा। आप राजनीति में तो सक्रिय हैं सवाईमाधोपुर राजसमंद, लेकिन विद्याधर नगर से जो आपकी उम्मीदवारी हुई इसके बाद में देख रहे हैं जो चर्चा आएगी, अब सीएम फेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है वो बन रही है, ऐसे सब मीडिया ही चर्चा करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सब बातें देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग डिसाइड करेंगे ना, जिसको भी जब समय आएगा वो डिसीजन जिस पे भी लेना होगा वो करेंगे, मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मेरा मेन फोकस है कि ये सीट हम अच्छे मतों से जीतें, हमारी बड़ी जीत है, और इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे संपर्क मेरा हो, क्योंकि मैं यहाँ के लिए नई हूँ, तो संपर्क कैसे बढ़े, सबसे मिलना हो जाए, सबको कन्विंस भी करना होता है। और हाँ, राजसमंद और सवाईमाधोपुर बहुत डिफरेंट एरियाज थे, भरतपुर संभाग में है सवाईमाधोपुर, सो इट्स अ डिफरेंट रीजन, रीजन ही अलग है राजस्थान का। और फिर राजसमंद में मेवाड़ भी लगता है, मारवाड़ भी लगता है, जिसमें चार जिले हैं, नागौर, राजसमंद, अजमेर और पाली। मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था, एक बहुत विचित्र अनुभव था। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो सही, आप जयपुर की बेटी को माधोपुर भेजा चुनाव लड़ने, वहाँ से भी मैं जीती, फिर राजसमंद भेजा, वहाँ से भी मैं जीती। मैं अपनी जीत का श्रेय पूरी तरह से मेरे कार्यकर्ताओं को देती हूँ और भारतीय जनता पार्टी को देती हूँ कि उनकी वजह से और मोदी जी की वजह से और पूरे हमारे केंद्र सरकार की मेहनत की वजह से मुझे लोगों ने अपनाया और इतनी अच्छे वोटों से मुझे जिताया। टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में घटनाक्रम चल रहे हैं उसको किस रूप में आप देखते हैं? ये तो देखिए कितना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी बहुत अच्छी बड़ी जीत होने वाली है, ग्राउंड रिपोर्ट ही कह रही है। और ये चीज़ें तो स्वाभाविक है, हर बार होता है ये, और ये थोड़े टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। राजसमंद में तो आपका क्षेत्र है लोकसभा का, वहाँ पे जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ बीजेपी का, ये तो प्रोटेस्ट देखिए ये हर इलेक्शन में होता है और फिर अपने आप सब ठीक हो जाते हैं, हमारे भी लोग उनसे बात करें, सभी जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में भी होता है, बीजेपी में भी होता है, और ये सब परिवार ही है, इतना बड़ा परिवार है, जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही ज़्यादा ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सब ठीक हो जाएगा, ये कुछ भी ऐसा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस को घेरने के लिए कौन से बड़े इशू आपको लगते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, कई मुद्दे उठा रही है, कल गारंटीज हैं बहुत सारी दी हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, अभी गारंटीज देने से कोई फायदा नहीं, इनके पास देखिए 5 साल थे, ये सारी जो इन्होंने अभी घोषणाएं की हैं 6 मंथ्स के अंदर अंदर घोषणाएं की हैं, इनको एक्चुअल में ये सारे काम अगर करने होते जनता के लिए तो पहले साल में क्यों नहीं किए, ताकि लोगों को एक्चुअल बेनिफिट मिलता। अब आप जाते जाते ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इनको भी मालूम है ये तो सब झूठी घोषणा है, और कुछ इनका फाइनेंशियल प्रेपरेशन नहीं है, ये राजस्थान को बुरी तरह से कर्ज में इन्होंने डुबा दिया, और ये सब घोषणाओं से राजस्थान और भी ज़्यादा कर्ज में डूबेगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो भी ये इन्होंने करी है, और मोदी जी ने सभा में कहा कि हम लोग कोई भी योजना इन्होंने अगर शुरू की है तो उसको बहुत उल्टा और अच्छी तरह से उन योजनाओं को चलाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उनका लगातार दौरा हुआ है, हालांकि वो जयपुर के प्रभारी हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में 2 बार उनकी मौजूदगी रही है, तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि ब्लेसिंग है आला कमान की। नहीं बिल्कुल, उनकी ब्लेसिंग से ही तो मैं आज जहां हूं वहां हूं, तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद रहे, हम मुझ पे भी है और सब पे है। और वो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह जी, तो वो सांगानेर भी गए थे, जोटवाड़ा भी गए थे, और बाकी भी जगहों पर अब जाएंगे, और मेरी क्योंकि बहुत पहले डिक्लेयर हो गई थी तो इसलिए मेरे यहाँ 2 बार वो पधारे, और उससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा, उनको भी और इनकरेजमेंट मिली, तो बहुत अच्छी बात। और विद्याधर नगर के अलावा राजस्थान के कहीं जगह पर अगर क्या प्रचार करेंगे, कि जैसा सवाईमाधोपुर है, राजसमंद है? एक आखिरी सवाल, वसुंधरा राजे के कंपैरिजन में लोग देख रहे हैं आपको, तुलना होती है, और राज परिवार से हैं दोनों, तो क्या कहेंगे उस पर आप? अब इस क्वेश्चन को मैं थक चुकी आंसर करते करते, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सीनियर है, उनके
मतलब कहाँ से कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मुझे लगता है क्योंकि सेम बैकग्राउंड हमारा सेम है इसलिए लोग ऑटोमेटिकली कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो बहुत सीनियर हैं और तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुझे लगता है ऐसे ही मीडिया को भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं बोलने के लिए, तो वो इसलिए ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पंजाब केसरी के तमाम व्यूअर हैं उनसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ में दिया कुमारी जी थी और विद्याधर नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। विद्याधर नगर को लेकर उनका एजेंडा क्या, राजस्थान की राजनीति पर उनका क्या नज़रिया है, ये हमने जाना। तमाम जो पंजाब केसरी के व्यूअर्स इस वक्त जो देख रहे हैं, आपको कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे और दिया कुमारी जी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।